नमस्कार दोस्तों, उम्मीद सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा एक बार फिर बोलती हुई नजर आने वाली हैं कि आखिरकार हम दोनों फिर से एक हो चुके हैं मनमीत, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मनमीत फिलहाल एक हो चुका है मीत हुड्डा के साथ में। और मीत हुड्डा का मानना यह है कि हमें लाख अलग करने की कोशिश की थी लेकिन हम अलग नहीं कर हो पाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये कोशिश किसने की थी, ये कोशिश करने वाली सगुन जो है पूरी तरीका से हार चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार क्या कर पाता है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चाह रहा है कि किसी भी तरीका से मनमीत और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। जी हाँ, क्योंकि मनमीत को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकता है इस समय, और खुद अपने मुंह से बोला है इधर सरकार ने कि मैं मनमीत और मीत हुड्डा को अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों एक दूसरे के साथ में चाहिए भी नहीं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक और नया अपडेट लेकर आने वाली है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा बोलती हुई नजर आने वाली है कि हमें अलग करने की चाहे ये लोग लाख कोशिश क्यों ना कर लें लेकिन इनकी कोशिश कभी भी सफल नहीं होने वाली, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी कई कारण देखने को मिल रहे हैं और कारण भी एक नहीं बल्कि इस समय लगातार लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं ताकि किसी भी तरीका से मीत हुड्डा और मनमीत को अलग अलग कर दें। लेकिन अलग अलग होना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मीत हुड्डा ने फिलहाल साथ दे दिया है मनमीत का और मनमीत से बोल दिया है कि मनमीत मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और वाकई में दोस्तों ये एक रियलिटी है कि समय मीत हुड्डा दिल से साथ है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक और नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मनमीत बोलते हुए नजर आएंगे बापू सरकार से कि बापू सरकार हमसे तुम ज़्यादा पंगा मत लो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। और वाकई में आप